हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले वीडियो में हमने 11 चैप्टर शुरू किया था डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर, डिग्री लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये हम किस तरह से बताते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसके अंदर है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कर्व की इक्वेशन वो हमें देगा और हम उसकी हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। जो इक्वेशन हम बनाएंगे वो एक डिग्री की भी हो सकती है, उसका ऑर्डर एक भी हो सकता है, ऑर्डर दो भी हो सकता है। तो वो किस तरह से बनाते हैं वो सुनो बेटा। आपको जो कर्व की इक्वेशन दी जाएगी, जैसे भी मैंने ले लिया वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, ये एक इक्वेशन ले लिया बेटा। प्लस वन में पढ़ते भी थे, लाइन की इक्वेशन है, स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में है। अगर आपसे ये इक्वेशन दे के यूँ कहे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का रूल क्या होता है बेटा, आप उस इक्वेशन में जो आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं ना उनको काउंट कर लो। डिफरेंशियल इक्वेशन जो कर्व की इक्वेशन है उसके अंदर जितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे हम उतनी बार ही डेरिवेटिव करेंगे, और उतनी बार ही डेरिवेटिव करने के बाद हमारा मोटिव क्या होता है, उन आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। कई बार तो क्या होता है कि वो आर्बिटरी कांस्टेंट अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो उन इक्वेशंस को सोल्व करके उन कांस्टेंट को क्या करेंगे, एलिमिनेट। जैसे आपको ये दे दिया जाए बेटा, यहाँ पर हमारे दो आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, तो हम कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, दो बार। जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो y का dy बाय dx, mx का m और प्लस c का 0। जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर और बेटा m का क्या हो जाएगा, 0। जितने कांस्टेंट थे उतनी बार डेरिवेटिव किया, तो ये जो इक्वेशन आई ना ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर आर्बिटरी कांस्टेंट रहते ही नहीं हैं, अगर रहते तो हम उनको जैसे तैसे करके क्या करते, एलिमिनेट। क्योंकि हमारे सामने तीन इक्वेशन थी, एक तो जो दी थी वो, एक फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद और एक सेकेंड डेरिवेटिव के बाद। यानी कि इस कर्व की इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो ये बनी। कितने ऑर्डर की है वो, इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 2, और डिग्री कितनी है, 1। देखो पहली एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती थी, ऑर्डर डिग्री वगैरह निकालते थे, अब तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी खुद बना रहे हैं। देखो बेटा एक्सरसाइज शुरू करते हैं 11.2। फर्स्ट क्वेश्चन सुनो, कहते हैं फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस वेयर सी इज ए कांस्टेंट। इसने बता दिया कि सी हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट है। फर्स्ट पार्ट सुनो, e की पावर x प्लस सी इंटू में e की पावर y इक्वल टू 1, ये आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे कितने आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो आप एक बार डेरिवेटिव कर लो। देखो e की पावर x का डेरिवेटिव होगा e की पावर x प्लस में c एज ए कांस्टेंट बाहर, e की पावर y का एक बार तो एज इट इज, और y का हो जाएगा dy बाय dx, और राइट साइड जो 1 है उसका क्या हो जाएगा, 0। यानी कि आपके सामने ये दो इक्वेशन है, एक तो वो जो आपको मिली थी, एक वो जो डेरिवेटिव करने के बाद बनी है। आपका काम है इन दोनों को जैसे तैसे सोल्व करके सी को एलिमिनेट करना। तो आप कैसे भी करो, जैसे आप फर्स्ट में से अगर बेटा सी की वैल्यू निकालते हो तो 1 माइनस में ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर वाई, फर्स्ट इक्वेशन में से सी की वैल्यू ये आएगी। इस वैल्यू को उठा के सेकेंड के अंदर पुट कर दो, ई की पावर एक्स प्लस सी की जगह 1 माइनस में ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर वाई इंटू में ई की पावर वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। अब देखो बेटा ई की पावर वाई से ई की पावर वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया ई की पावर एक्स प्लस 1 माइनस में ई की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो बेटा अगर हम इसमें बात ऑर्डर की करें तो इसका ऑर्डर कितना है, 1, क्योंकि हमने डेरिवेटिव ही एक बार किया है। यानी कि कर्व की इक्वेशन के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही ऑर्डर की हमें क्या मिलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड सुनो, जैसे y इक्वल टू 2 इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस सी इंटू में e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, कितने कांस्टेंट हैं, एक। एक बार डेरिवेटिव करो, देखो y का हो जाएगा बेटा dy बाय dx, 2 एज ए कांस्टेंट बार, एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2x, तो यहाँ से आएगा 4x, प्लस में c एज ए कांस्टेंट बाहर, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो एज इट इज,
और माइनस एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा माइनस टू एक्स। अब हमारा काम है इन दोनों में से सोल्व करके सी को एलिमिनेट करना। हम एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट में से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी की वैल्यू आएगी बेटा वाई माइनस में टू इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपोन में ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। फर्स्ट इक्वेशन में से सी की वैल्यू ये आ रही है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करो। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फोर एक्स, ये माइनस में टू एक्स और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर तो मैंने रख दिया, और सी की जगह मैं रख रही हूँ वाई माइनस टू इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपोन में ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स वाई आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस फोर इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस में वन। इन सभी टर्म्स को आप उधर ले जाना चाहो ले जा सकते हो, और मल्टीप्लाई करके सोल्व करना चाहो तो करो बेटा। ये आएगा फोर एक्स माइनस में टू एक्स वाई, प्लस में आएगा फोर एक्स क्यूब माइनस में आएगा फोर एक्स, तो फोर एक्स से फोर एक्स तो कैंसिल हो गया, उधर भेज दो डी वाई बाई डी एक्स प्लस में टू एक्स वाई माइनस फोर एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और बेटा इसका ऑर्डर कितना है, वन, क्योंकि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट थे, एक, डेरिवेटिव भी कितनी बार हुआ, एक बार, तो ऑर्डर भी कितना आएगा इसका, वन आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड पार्ट, वाई इज इक्वल टू सी ई रेस टू द पावर साइन इनवर्स एक्स है प्लस में थ्री है, कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट बेटा, एक, एक बार डेरिवेटिव करो और इस कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। देखो वाई का डी वाई बाई डी एक्स, सी एज ए कॉन्स्टेंट बार, e की पावर साइन वर्स एक्स एज इट इज, साइन वर्स एक्स का करेंगे तो वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा, और प्लस में जो थ्री था उसका क्या हो जाएगा, जीरो। अब यूँ कर लेते हैं, फर्स्ट में से c की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y माइनस थ्री अपोन में e की पावर साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी c की, यहाँ पुट कर दो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स एक्स अपोन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर तो पहले से ही था, सी की जगह वाई माइनस में थ्री अपोन में ई की पावर साइन वर्स एक्स आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा और सोल्व करने के लिए आप रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर को डी वाई बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई में भेज दो, माइनस में आएगा वाई और प्लस में आ जाएगा थ्री इक्वल टू जीरो, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। बेटा फर्स्ट के जो भी चार पाँच पार्ट है सभी के अंदर एक ही कॉन्स्टेंट है, एक जैसे इसका फोर्थ पार्ट सुनो, 2x प्लस में c का होल स्क्वेयर है प्लस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर। आपसे कोई यूँ पूछे कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं, तो हम जवाब देंगे एक। बेटा c चाहे दो जगह तीन जगह कितनी जगह भी लिखा जाए, काउंट उसको एक बार ही किया जाएगा, यानी कि हमें एक बार ही डेरिवेटिव करना है। 2 आगे ले लिया 2x प्लस c आया, जब बेस का करेंगे तो 2 आएगा, वाई स्क्वेयर का 2y, y का dy बाई डी एक्स और सी स्क्वेयर का 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2x प्लस में c, एक 2 आपका बाहर फिर भी रह जाएगा, और प्लस में y dy by dx इक्वल टू 0, ये आ जाते हैं। अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, देखो 4x है प्लस में 2c है प्लस में y dy by dx बराबर 0 है। अगर c की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में y dy by dx माइनस में 4x अपॉन में 2 आएगी, इस वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, आपका जो भी आए, मतलब कैलकुलेशन चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो लेकिन आपका कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन, ये कह रहा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व वाई इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस में बी। ये हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे ए और बी दोनों ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं, यानी कि दो कॉन्स्टेंट हैं, तो हम डेरिवेटिव भी कितनी बार करेंगे, दो बार। देखो बेटा जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो y का dy वाई बाई डी एक्स, ए एज ए कॉन्स्टेंट बार, cos का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस बी, और जब इसके एंगल का करेंगे तो x का वन और b का क्या हो जाएगा, जीरो। दो कॉन्स्टेंट है तो सेकेंड डेरिवेटिव और करेंगे तो ये आएगा d2y टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर माइनस ए एज ए कॉन्स्टेंट बार, साइन का करेंगे तो कोस एक्स प्लस बी, और इसके एंगल का क्या हो जाएगा, वन। दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट थे, हमने दो बार डेरिवेटिव कर लिया,
बेटा दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, हमने दो बार डेरिवेटिव कर दिया। अब हमारा काम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना और यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। देखो बेटा, अब जैसे आपके सामने तीन इक्वेशन है, फर्स्ट जो गिवन थी वो, सेकंड थर्ड जो डेरिवेटिव करने से आई। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। अब देखो ये जो a cos x plus b है ये तो वही है जो हम लेके चले थे, तो कांस्टेंट को यहाँ देखो हम इजीली एलिमिनेट कर पा रहे हैं। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है, माइनस साइन तो एज इट इज, और ए कोस एक्स प्लस बी की जगह मैंने क्या रख दिया, वाई। बात है बेटा कांस्टेंट एलिमिनेट होने चाहिए चाहे कैसे भी हो। जब इस माइनस वाई को राइट साइड लेके गए तो प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू वाई स्क्वेयर इक्वल टू एम इन टू में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। बेटा यहाँ पर दो आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, एक तो m और एक a। डेरिवेटिव करते हैं y स्क्वेयर का 2y, y का dy by dx। बेटा m एज ए कांस्टेंट बाहर, जब हम ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे तो ए स्क्वेयर का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वेयर का आएगा माइनस 2x। 2 से 2 कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो। y इंटू में dy by dx इक्वल टू हमारे पास है mx। दो कांस्टेंट थे, दो बार डेरिवेटिव करेंगे। जब हम यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें u इंटू v लगाना पड़ेगा। y एज इट इज dy by dx का आएगा d2y टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस में dy by dx एज इट इज और y का हो जाएगा dy by dx, तो उसका स्क्वेयर लिख देते हैं यहाँ पे। और बेटा m माइनस mx का आ गया माइनस m। देखो आपके सामने एक तो ये इक्वेशन है फर्स्ट, एक ये वाली जो डेरिवेटिव करने के बाद आई, और एक ये थर्ड। इन तीनों की हेल्प से कैसे भी करके आपको कांस्टेंट एलिमिनेट करना है, तो हम इन दोनों से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखो बेटा, अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो माइनस वाई बाई एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स आएगी, और इस m की वैल्यू को उठा के थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, y इंटू में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इक्वल टू माइनस साइन तो एज इट इज, और m की वैल्यू है माइनस वाई बाई एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसको जितना पॉसिबल आप सोल्व कर सकते हो सोल्व कर दो, चाहे आप भले ही ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद देखो बेटा थर्ड का जो सेकेंड पार्ट है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, कह रहा है वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए इंटू में b माइनस एक्स और b प्लस एक्स। अगर हम b माइनस एक्स और b प्लस एक्स में आइडेंटिटी लगाएं तो बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा कि नहीं आएगा। आप देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर भी दो आर्बिटरी कांस्टेंट थे, यहाँ पर भी दो हैं, बस इतना फ़र्क है यहाँ m था यहाँ a है, यहाँ a था यहाँ पे b है। बिल्कुल सेम करना है, दो बार डेरिवेटिव करके कांस्टेंट को क्या करना है, एलिमिनेट। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, करें शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज। पैराबोला दे दिया वाई स्क्वेयर इक्वल टू फोर ए एक्स माइनस में बी इज गिवन बाई, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, इसने आंसर दे दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन वाई इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर ये आनी चाहिए। हम एक बार यहाँ देख रहे हैं कितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट हैं, दो। कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे बेटा, दो बार। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव वाई स्क्वेयर का 2y, y का dy by dx, 4a एज ए कांस्टेंट बार और x माइनस बी का 1 हो जाएगा। जब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो y इंटू में dy by dx, 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया 2a। दो आर्बिटरी कांस्टेंट थे, अगर सेकंड डेरिवेटिव करें तो यहाँ लगाएंगे u इंटू v, y बार d2 y अपॉन में dx स्क्वेयर प्लस में dy by dx बार, y का करेंगे तो dy by dx, तो dy by dx का स्क्वेयर हो जाएगा और राइट साइड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। अब देखो जब हमने दो बार डेरिवेटिव किया तो लास्ट में अपने आप ही सारे के सारे कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाते हैं और आप इससे मैच भी कर सकते हो। इसने भी यही कहा था कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन ये आनी चाहिए। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट देखो बेटा फिफ्थ, कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय।
वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी बाई एक्स है। कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। सबसे पहले हमने कांस्टेंट काउंट किए, तो यहाँ पर कितने आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। डेरिवेटिव करना शुरू करो बेटा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ए एक्स का आएगा ए, प्लस में बी कांस्टेंट लेंगे बाहर, और वन बाई एक्स का हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर। अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं तो ये तो हो गया डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ए का हो जाएगा जीरो, माइनस बी एज ए कांस्टेंट बाहर, और वन बाई एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस टू अपॉन में एक्स क्यूब आएगा। तो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, टू बी अपॉन में एक्स की पावर थ्री, इधर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। आपको सोल्व करके कैपिटल ए और कैपिटल बी इन दोनों कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। सुनो बेटा, अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालूँ तो बी की वैल्यू एक्स की पावर थ्री अपॉन में टू इंटू में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर आएगी। इस बी की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, हम यहाँ से फिर ए निकाल लेंगे। देखो बेटा, अगर मैं कैपिटल ए के इक्वल लिखूँ तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लस में बी अपॉन एक्स स्क्वेयर जाएगा। उसके बाद जो मैंने अभी पीछे बी की वैल्यू निकाली थी, उस बी की वैल्यू रख रही हूँ मैं, बी की जगह क्या रखेंगे, एक्स की पावर थ्री अपॉन में टू इंटू में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। तो बेटा कैपिटल ए की जो वैल्यू आई ना, देखो एक तो डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस में एक्स की दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आएगा एक्स बाई टू डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। ये वैल्यू है ए की, ये वैल्यू है बी की, इन दोनों वैल्यूज़ को उठाओ। देखो ये जो दोनों वैल्यू है ना, जैसे इसको मैं कह रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको कह रही हूँ बेटा सेकंड, और इसको कह रही हूँ थर्ड। तो ये दोनों वैल्यू हमने सेकंड और थर्ड की हेल्प से निकाली हैं। तब आप एक काम करो, ए और बी की वैल्यू उठा के फर्स्ट के अंदर रख दो। फर्स्ट में रखेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स, तो एज इट इज ए की जो वैल्यू आपके पास है वो रख दो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स बाई टू डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, प्लस में वन बाई एक्स एज इट इज, और जो बी की वैल्यू है वो रख दो, एक्स की पावर थ्री बाई टू डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। अब आप इसको जितना भी एलिमिनेट करना चाहो, सोल्व करना चाहो वो कर सकते हो, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन चुकी। बेटा फिफ्थ का अगर हम सेकंड पार्ट लेते हैं तो वहाँ पे लिख रहा है वी इक्वल टू ए अपॉन में आर प्लस में बी। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही कह सकते हैं। देखो यहाँ पे वी और आर आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है। वी तो काम कर रहा है बेटा वाई का, डिपेंडेंट वेरिएबल का, और आर काम कर रहा है एक्स का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। आर्बिटरी कांस्टेंट यहाँ पे दो हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। एक तो फर्स्ट इक्वेशन तो उसको ही कह दिया करो जो आपको गिवन है। अब यहाँ पे बेटा हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो वी का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में डी वी अपॉन डी आर लिखा जाएगा। अब देखो बेटा, ए तो एज ए कॉन्स्टेंट बार, जिस तरह से वन बाई एक्स का तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर लिखोगे, वैसे ही वन बाई आर का माइनस वन बाई आर स्क्वेयर आएगा, और बी का हो जाएगा जीरो। जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे डी टू वी अपॉन में डी आर स्क्वेयर, तो माइनस ए एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और वन बाई एक्स स्क्वेयर का जैसे होता है वैसे ही वन बाई आर स्क्वेयर का आएगा, माइनस टू अपॉन में आर क्यूब, माइनस माइनस प्लस, तो ये टू ए अपॉन में आर क्यूब आ गया, डी टू वी अपॉन में डी आर स्क्वेयर। ये है थर्ड। आपके सामने तीन इक्वेशन हैं, जैसे तैसे सोल्व करके आपको ए और बी क्या करना है, एलिमिनेट करना है। देखो बेटा, ए की वैल्यू तो हम यहाँ से इजीली निकाल पा रहे हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालती हूँ तो वो आएगा आर की पावर थ्री अपॉन में टू इंटू में डी टू वी बाई डी आर स्क्वेयर। इस ए की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पर पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में। देखो डी वी बाई डी आर एज इट इज, माइनस वन बाई आर स्क्वेयर एज इट इज, और ए की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा, आर की पावर थ्री अपॉन में टू इंटू में डी टू वी बाई डी आर स्क्वेयर। जरूरी नहीं है हम तीनों की तीनों इक्वेशन का यूज करें, हमारे कांस्टेंट एलिमिनेट होने चाहिए, चाहे दो इक्वेशन का यूज करो चाहे तीनों का करो। तो ये आ जाएगा, यहाँ से आर की दो पावर कैंसिल हो जाएंगी,
तो ये डी वी अपोन में डी आर, उधर लेना ले जाना चाह रहे तो प्लस में आर बाई टू डी टू वी अपोन में डी आर स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट देखो बेटा फिर सिक्स्थ, कहते फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू वन है। दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है कैपिटल ए और कैपिटल बी, डेरिवेटिव करते हैं। एक तो इसको कह दो फर्स्ट, देखो बेटा ए एज ए कॉन्स्टेंट बार एक्स स्क्वेयर का टू एक्स प्लस में बी एज ए कॉन्स्टेंट बार वाई स्क्वेयर का टू वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वन का हो जाएगा जीरो। अगर हम यहाँ से टू कॉमन लेते हैं तो ए एक्स प्लस में बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, इसे कह दो अब सेकेंड। कॉन्स्टेंट दो थे, डेरिवेटिव दो बार करना है, एक बार हम कर चुके, अब हम कर रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो बेटा ए एक्स का आएगा ए प्लस में बी एज ए कॉन्स्टेंट बाहर और वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स में हमें यू इंटू वी लगाना पड़ेगा। देखो वाई बाहर डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स तो बाहर और वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा, तो उसका हो जाएगा स्क्वेयर और इक्वल टू जीरो। ये आगे तीसरी इक्वेशन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान भी रखना आपको। देखो कैसे एलिमिनेट करेंगे, सेकेंड में सेकेंड इक्वेशन जो थी उसके अंदर मैंने लिखा ए एक्स इक्वल टू माइनस बी वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, इस टर्म को उधर ले गए। फिर ए के अपॉन में तो ले आए बी और एक्स को ले आए वाई के डिवाइड में माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसे आप एक बार स्टार इक्वेशन कह दो। ये हमने ए बाई बी निकाल लिया। ऐसे अगर थर्ड इक्वेशन में हम करें तो ए इक्वल टू इस पूरी टर्म को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस में बी इंटू में वाई डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। यहाँ से भी क्या करो बेटा, बी को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो ए बाई बी, हमारे पास यहाँ क्या रहेगा माइनस में वाई इंटू में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। इसे नाम देना चाहो तो दे दो डबल स्टार। ध्यान से देखो, स्टार और डबल स्टार जो इक्वेशन है वो दोनों ही a बाई बी के इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। यहाँ से माइनस में y डी टू वाई अपोन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर बराबर हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखो बेटा माइनस माइनस प्लस, इस टर्म को उधर भेजना चाहो भेज सकते हो। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप ऑर्डर देखोगे दो मिलेगा, क्यों? क्योंकि दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट थे, हमने खुद दो बार क्या किया है डेरिवेटिव। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा सिक्स का सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स प्लस टू बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। बेटा इसके अंदर तीन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है ए बी सी, तो हम तीन बार ही डेरिवेटिव करेंगे। सुनो, फर्स्ट डेरिवेटिव करने लगे एक्स स्क्वेयर का टू एक्स, वाई स्क्वेयर का टू वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, टू ए एक्स का टू ए, टू बी वाई का टू बी एज इट इज, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और बेटा सी अकेला कॉन्स्टेंट है उसका हो जाएगा जीरो। यहाँ से अगर मैं टू कॉमन लूँ तो एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ए और प्लस में बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। डेरिवेटिव सिर्फ एक बार ही किया है, जैसे इसे कह दो फर्स्ट जो गिवन थी, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद बनी इसे कह दो सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं बेटा तो एक्स का हो जाएगा वन, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स में यू इंटू वी लगाना पड़ेगा, वाई बार डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स बार और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, तो उसका हो जाएगा स्क्वेयर। प्लस में बेटा ए अकेला कॉन्स्टेंट है जीरो, बी हमने बाहर ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स का लेंगे तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। ये कर दिया बेटा हमने सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब दो बार डेरिवेटिव कर दिया। अब एक बार डेरिवेटिव और करना है आपको, तीन कॉन्स्टेंट थे, देखो बेटा वन का हो जाएगा जीरो, यहाँ यू इंटू वी लगेगा, वाई बार डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का आएगा डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब प्लस में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर तो बाहर और y का हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स प्लस, जब dy वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वेयर का करेंगे तो पहले पावर का होगा
टू आगे चला जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और जब डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, प्लस में बी एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और इसका आ जाएगा डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। इसे कह दो फोर्थ इक्वेशन। देखो बेटा, थर्ड इक्वेशन में और फोर्थ इक्वेशन में सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट चल रहा है, कौन है? बी। तो हम एक काम कर लेते हैं, थर्ड में से बी की वैल्यू निकालेंगे और उसको कहाँ पुट कर देंगे? फोर्थ में। अगर आप थर्ड में से बी की वैल्यू निकालोगे ना, तो बी इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बराबर हो जाएगा माइनस वन माइनस वाई इंटू में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, और माइनस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। और अगले स्टेप में इस टर्म को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे और उसके बाद बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। आपसे जितना भी पॉसिबल सोल्व हो कर देना, वही आपकी क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब देखो बेटा सेवन्थ, ये कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। देखो एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, कौन? सी। तो एक बार ही क्या करेंगे बेटा? डेरिवेटिव। देखो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू एक्स, वाई स्क्वेयर का टू वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, सी एज ए कॉन्स्टेंट बार। पहले इसकी पावर का करेंगे, टू आगे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और फिर बेस का करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का तो टू एक्स, वाई स्क्वेयर का टू वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। देखो बेटा टू इधर से कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे राइट हैंड साइड वाले टू से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सी इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये टू बाहर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वरना चाहे आप रहने दो, ये आ जाएगा। इसे कह दो इक्वेशन सेकंड और इसे कह दो फर्स्ट। डेरिवेटिव एक बार ही करना था। आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, इजीली निकल रही है, और उस सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। यहाँ से अगर आप सी की वैल्यू लिखोगे बेटा तो वो क्या आएगी? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपोन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और उस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो। जितना भी पॉसिबल सोल्व होता है सोल्व कर देना, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर एट्थ, ये कर अभी वाई इज इक्वल टू ए साइन टू एक्स है, ए साइन टू एक्स प्लस में बी कोस टू एक्स, बी कोस टू एक्स ये कर दे रखा आपको। कहता है प्रूव दैट, इसने आंसर भी दे दिया कि हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो आनी चाहिए, और आर्बिटरी कॉन्स्टेंट कौन कौन है? कैपिटल ए और कैपिटल बी। देखो बेटा दो बार डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कर रही हूँ मैं, ए एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, साइन का हो जाएगा कोस टू एक्स और टू एक्स का आएगा टू, प्लस में बी एज ए कॉन्स्टेंट बाहर और कोस टू एक्स का हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स और टू एक्स का आएगा टू। सेकेंड डेरिवेटिव और करो, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, बेटा टू ए एज ए कॉन्स्टेंट बार और कोस टू एक्स का आएगा माइनस साइन टू एक्स और टू एक्स का टू, तो टू इंटू टू ये कितना बन जाएगा? फोर। माइनस में टू बी एज ए कॉन्स्टेंट बार और साइन का करेंगे तो कोस टू एक्स और टू एक्स का टू, तो ये भी टू इंटू टू कितना बन गया? फोर। ध्यान से देखो, ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में हम डेरिवेटिव करते हैं ना, तो जो हमारी गिवन स्टेटमेंट होती है एज इट इज़ वही बन जाती है। मैं अगर यहाँ से माइनस फोर कॉमन लेती हूँ तो अंदर ए साइन टू एक्स प्लस में बी कोस टू एक्स आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ए साइन टू एक्स प्लस बी कोस टू एक्स तो वाई था, इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं? वाई। जब इसकी जगह वाई रखेंगे तो ये माइनस फोर वाई बन गया कि नहीं बन गया? और जब ये माइनस का फोर वाई लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में फोर वाई इक्वल टू जीरो, ये जो कह रहा था वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर एट्थ।